नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.4 करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 1.4 में है, पहला प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले इसका। देखिए ये रहा प्रश्न नंबर 1 का पहला, इसमें लिखा है 13, 31, 25। ठीक ना, तो बोला है कि इसका आप बिना भाग दिए, ठीक ना, जैसे हम लोग यहाँ ऐसे भाग देते हैं 31, 25 और 13, ठीक ना, इसको ऐसे हम लोग भाग देते हैं, फिर इसका दशमलव प्रसार ज्ञात होता है हमको, ठीक ना, और फिर इससे पता चलता है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। मगर इसे बोला है कि इस तरह भाग नहीं देना है, आप इसको देख कर बताइए कि क्या ये शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक ना। तो इसको बिना भाग के पता करने के लिए ये नियम है कि आप इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड प्राप्त होंगे वो या तो दो ही दो प्राप्त हों, या पाँच 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 ही प्राप्त हों, या 2×5 प्राप्त होने चाहिए, ठीक ना। यदि ये सब प्राप्त होते हैं तो इनका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होता है, ठीक ना। और यदि इनके अलावा भी कोई संख्या आए, जैसे 3, 7, कोई भी संख्या 2 और 5 के अलावा आए, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्त होता है, ठीक ना। जैसे इसे एग्जाम्पल ले लें, छोटा सा देखिए 13/10 लिखा हुआ है, ठीक ना। तो यदि इसका हम लोग दशमलव प्रसार का प्रयास करें तो देखिए इसका हम अगर हर का ही गुणनखंड करके देख लें तो इसका हर का गुणनखंड देखिए 5×2 आ रहा है, ठीक ना। इसका मतलब ये 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में 10 का गुणनखंड हो रहा, तो इसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का होगा, ठीक ना। और इसका हम दशमलव देखिए करके देख लेते हैं, 10 और ये 13, ठीक ना, भाग दे रहे हैं तो 10 एक कम 10, 3 शेषफल, और दशमलव लगाएंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा, तो 10 तिहाई 30, तो देखिए ये 0 आ गया, शेषफल 0 आ गया। तो ऐसे भिन्न जिनका अगर भाग करें और शेषफल 0 आ जाए तो इनका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का कहलाता है, ठीक ना। तो हम लोग पहले प्रश्न से शुरू करते हैं इस तरह। तो देखिए हम लिखेंगे हर 31-25 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक ना। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने देखिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं यहां पर हम, देखिए 31-25, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले 5 से भाग देते हैं इसको, तो देखिए 5×6=30, एक बगल में गया, 5×2=10 और 5×5=25, फिर 5 से भाग देंगे, 5×1=5, 5×2=10, 5×5=25, 5×2=10, 5×5=25, 5×1=5×5=25, 5×5, तो देखिए इसमें केवल 5×5 ही गुणनखंड आया है, यहाँ लिख लेते हैं, लिखे 5×5, 5×5, 5, ठीक ना, 5 बार लिख लिया। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें 2 नहीं है, ठीक ना, 2 और 5 में से केवल इस बार 5×5 ही है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला जैसे 2 ही 2 आ जाए, या 5×5 ही आ जाए, या 2×5, 5×2, इस तरह कुछ भी आ जाए। तो देखिए ये लिखा है 5, तो इसको मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको 5×5 लिख सकता हूँ, ठीक ना। अब देखिए इसमें 2 नहीं है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2×0 और 5×5, ठीक ना। तो देखिए 2×0 का मतलब होता है ये 1 होगा, ठीक ना। तो अब किसी भी संख्या में 1 गुणा करने पर वही प्राप्त हो जाती है, इसलिए अगर इसमें 2 नहीं है तो हम इसको 2×0 और 5×5 में इस तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2×n
और 5 के घात m के रूप के हैं, के रूप का है, ठीक ना। अब चूंकि रूप का है तो लिखेंगे अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना, या शांत होगा, ठीक ना। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 17/8, ठीक ना। तो 17/8 है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हर 8 के अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 8 क्या आएगा, 2 × 2 × 2, ठीक ना। तो 2 × 4 = 4 × 8, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3, ठीक ना। अब देखिए इसमें 2 ही 2 है, 5 नहीं है, तो हम इसको यहाँ 5 × 0 लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हमने इसको व्यक्त करा, ठीक ना। जैसे इसमें 5 था, 2 नहीं था, तो 2 की घात 0 लिख लिया और 5 की घात 5 तो लिखा है। इसी प्रकार इसमें 2 की घात 3 लिख लिया और 5 नहीं था तो 5 की घात 0 लिख लिया, ठीक ना। हमको इस रूप में लिखना होता है, तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड दो के घात n और 5 की घात m के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना। तो इस तरह सबको लिख लेंगे, जो इस रूप का है, नहीं होगा तो लिखेंगे नहीं है, और उसका दशमलव प्रसार देख लेंगे इसमें क्या है। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 2 हो गया। प्रश्न तीसरा भाग देख लेते हैं इसमें, अब तीसरा भाग देख लेते हैं। देखिए तीसरा भाग में है 64/455, ठीक ना। तो इसको देखते हैं, लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। तो देखिए 455 का कितना होगा, 455, 5 से हो गया 5 × 9 = 45, 5 × 1 = 5, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, 13 × 1 = 13। तो देखिए इसे 5, 7 और 13 आया, 5, 7 और 13। तो देखिए 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या भी प्राप्त हो जाए तो उनका दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है, ठीक ना। और ये लिख लेते हैं इसको, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है या नहीं है, अतः दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है ना, अशांत आवर्ती, इसी को बोलते हैं अनवसानी आवर्ती है, ठीक ना। तो ये हो गया। अब चौथा भाग देखते हैं इसमें। देखिए चौथा में क्या लिखा है, 15/1600, देखिए 15/1600, ठीक ना। तो 1600 का गुणनखंड कर लेंगे, तो लिखते हैं हर के
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 1600 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर, तो 1600 इसे सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 25 और 5 पचे 25 और 5 एकम 5। तो देखिए 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया, इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 5 2 बार है, 2 बार लिख लिया। इस प्रकार इसको लिखेंगे 2 की घात 6 और 5 की घात 2, ठीक ना। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड, का लिखे के लिखे, का गुणनखंड 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का है, तो इसलिए इसका, अतः दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है ना, शांत है या शांत होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार ये चौथा भाग हो गया। अब पांचवा भाग देख लेते हैं, एक पांचवा देखिए, पांचवा में है 29/343, ठीक ना, 29/343। तो 343 का गुणनखंड कर लेते हैं, 343, 7 से जाएगा, 7 चौक 28, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो लिखेंगे हर, यहाँ लिख लेते हैं पूरा, हर 343 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 7 × 7 × 7, या कह सकते हैं 7³ आया। तो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, ठीक ना। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, ठीक ना, या अनवसानी आवर्ती है या होगा, ठीक ना। तो ये पांचवा हो गया। फिर छठवां देखते हैं, छठवां में लिखा है 23/2 के घात 3 और 5 की घात 2। तो देखिए इसमें हर तो गुणनखंड किया हुआ है इसका, तो लिख लेते हैं हर के गुणनखंड 2 के घात 3 और 5 के घात 2। तो लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n और 5 के घात m के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना, शांत है या शांत होगा, ठीक ना। छठवां हो गया, अब सातवां देखते हैं। तो देखिए सातवां में क्या लिखा है, सातवां 129/2 के घात 2, 5 के घात 7 और 7 के घात 5। तो देखिए इसका तो गुणनखंड किया हुआ है, तो लिखते हैं हर के अभाज्य गुणनखंड, देखिए लिखा ही हुआ 2 के घात 2, 5 के घात 7 और 7 के घात 5।
तो देखिए इसमें दो और पाँच के अलावा सात भी एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो लिखेंगे हर के अभाज गुणनखंड दो की घात n और पाँच की घात m के रूप का नहीं है, तो नहीं है तो इसका अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ति, अशांत आवर्ति या अनवसानी आवर्ति है, ठीक ना। अब इसके बाद आठवां भाग देखेंगे, में लिखा है 6/15, ठीक ना। तो देखिए इसको अभी थोड़ा सरलतम रूप में बदल लेंगे, इसको इसको लिख सकते हैं, देखिए 3×2 6 और इसको लिख सकते हैं 3×5 15, ठीक ना। इसको सरल कर लेंगे, ये 3×3 कैंसिल हो गया, ये आया 2/5, ठीक ना। ये अभी आपके इसके सरलतम रूप में आया। अब इसमें देखिए हर ये 5 है, तो लिखेंगे हर 5 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 ही है बस, तो इसको लिख सकते हैं 2 की घात 0 और गुणे 5 की घात 1 लिख सकते हैं, ठीक ना। 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है, ठीक ना। तो 1 का इसको इस तरह लिख लिया, देखिए 2 और 5 के रूप में हमने लिख लिया। तो अब लिख सकते हैं चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना। इसी प्रकार आठवां देखते हैं, तो आठवां है ये, सॉरी सात आठवां ही था, 6/15 आठवां था, ठीक ना। अब नौवां देखते हैं, तो नौवां में है 35/50, ठीक ना। तो इसको भी अभी हम सरल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7/35 और ये हो गया 10×5, ठीक ना। तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 5/10 प्राप्त हुआ, ठीक ना। ये सरलतम रूप में आ गया, इसको अगर काटेंगे तो 5×7=35, 5×10=50, तो जो सरल आया उसका हर का गुणनखंड करा जाएगा। लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं इसको, 10 को क्या कर सकते हैं, 5×2 10, 2×5, देखिए इसमें 2 भी प्राप्त हो गया, 5 भी प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 के घात n 5 से घात m के रूप का है, अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक ना। इसी प्रकार एक 10 है, 10वां भी देख लेते हैं, तो 10वां में क्या लिखा हुआ है, 77/210, ठीक ना। इसमें 7 उभयनिष्ठ निकल जाएगा, उसको भी निकाल लेते हैं पहले। इसको लिख सकते हैं 7×11 और इसको लिख सकते हैं 7×30, है ना। 7×11 = 77 और 30×7 मतलब 210 प्राप्त हो जाएगा। तो ये 7 एकम 7 एकम कट गया, तो ये आया 11/30, ठीक ना। तो अब ये हर हमको 30 प्राप्त हुआ, लिखेंगे हर 30 के अभाज्य गुणनखंड, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2×3×5, है ना, 3×2 6 6×5 30। तो इसमें देखिए 2 और 5 के अलावा 3 भी प्राप्त हो गया,
ठीक ना। तो इसलिए लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, इसलिए अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। ठीक ना, अशांत आवर्ती कहिए या इसको अनवसानी, अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं, तो आवर्ती है। ठीक ना, चाहे इसको आप लिखिए चाहे इसको लिखिए। ठीक ना, तो इस पर प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक ना, तो इसमें हम पहले प्रश्न नंबर 1 में देख लेते हैं कौन कौन से शांत हैं, उनको हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर उनका दशमलव प्रसार कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 के पहला में बनेगा, देखिए पहले प्रश्न में पहला भाग शांत प्रकार का था, तो लिखते हैं यहाँ 13/31/25। ठीक ना, और दूसरा चेक करते हैं तो दूसरा है 17/8, ये भी शांत प्रकार का था, तो शांत है, तो ये 17/8। थर्ड में लिखते हैं ये 64/455 नहीं था, तो इसको नहीं लिखेंगे। अब फिर चौथा है 15/1600, तो ये शांत प्रकार का था, तो यहाँ लिख लेते हैं 15/1600। फिर 29/343 नहीं था, और छठवां है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, तो इसको लिख लेते हैं शांत प्रकार का है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। और पांचवा देखते हैं, पांचवा कौन सा है इसमें, तो इस प्रकार ये सातवां में नहीं है, या आठवां था 6/15 है ना, तो यहाँ 6/15 लिख लेते हैं। और देखते हैं कौन सा है, इसके बाद 35/50 भी था, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 35/50। तो इस प्रकार कुल 6 संख्या परिमेय संख्या थी जिनका दशमलव प्रसार शांत था। अब इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं, तो देखिए पहला निकाल लेते हैं, ये है, तो पहला नंबर पर लिखते हैं, इसको भाग करते हैं 31/25 और यहाँ लिखेंगे 13। ठीक ना, अगर 31/25 से 1300 तो जाएगा नहीं, तो पहले हम यहाँ दशमलव लगाते हैं, ये दशमलव लगाया तो यहाँ 10 प्राप्त हो गया। ठीक ना, दशमलव लगाने के बाद 10 प्राप्त होता है। अभी भी देखिए 31/25 130 से ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ 10 बढ़ाएंगे, तो अगर मैं यहाँ 10 बढ़ाऊँगा तो 10 यहाँ भी बढ़ाना होगा। तो अब देखिए ये 1300 हो गया और ये 3100 है, ये अभी भी कम है, तो क्या करेंगे 10 और बढ़ाएंगे, 10 और बढ़ाया तो 10 और प्राप्त हो गया। तो अब देखिए 13000 हो गया और ये हो गया लगभग 3125। तो अब इसका पहाड़ा पढ़ते हैं, तो देखिए कितनी बार लेके जाएंगे, ये 4 बार देखते हैं इसमें, 4 5 20, 4 2 8 तो 10, हासिल 1, 4 1 4 1 5, 4 3 12। ठीक ना, तो 12500 आया, तो ये 4 बार में चला जाएगा, तो लिखते हैं 12500 को अब माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 0 0 0 5 5, ये देखिए मतलब 13000 में 12500 घटाएंगे तो 500 ही बचेगा। अब चूंकि यहाँ दशमलव लग चुका है तो 10 प्राप्त हो जाया करेगा। ठीक ना, जो भी शेषफल आता है उसमें 10 प्राप्त हो जाता है क्योंकि दशमलव लग चुका है। अब देखिए 5000 है और ये 3000 के लगभग है। ठीक ना, अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो लगभग 6000 के लगभग आ जाएगा। ठीक ना, इसलिए हम इसको 1 बार में ले जाते हैं, तो ये हो गया 31/25 और इसको घटाते हैं देखिए तो 5 5 1 2 1 3 7 1 2 8 1 3 4 1 5, ये हो गया 1875 आया। ठीक ना, अब चूंकि दशमलव लग चुका है तो यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 18000 के लगभग। ठीक ना, तो अगर मैं यहाँ 6 का गुणा करूँ तो 6 3 18 लगभग 18000 ये भी आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें, तो 31/25 में 6 का गुणा कर लेते हैं हम, तो 6 5 30, 3 हासिल, 6 2 12, 12 3 15 हासिल 1, 6 1 6 1 7, 6 3 18, तो देखिए आ गया इसमें। तो यहाँ लिखते हैं 6 बार में जाएगा तो 18750 प्राप्त हो गया। ठीक ना, तो इस प्रकार ये पहले प्रश्न का दशमलव प्रसार 0.00416 प्राप्त हुआ। ठीक ना, अब दूसरा वाला देखते हैं, इसमें है 17/8, तो इसका दशमलव प्रसार देखते हैं। देखिए ये जो भी हर में होता है
ये यहाँ पर भाजक बनता है और जो अंश होता है वो भाज्य प्राप्त यहाँ लिखा जाता है, ठीक ना। अब आठ के पाणा से आठ दूनी सोलह प्राप्त हो रहा है और एक घटाएंगे तो एक प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब चूंकि हमको दशमलव के बाद तक लेके जाना है, देखिए अगर अभी दशमलव के बाद नहीं ले गए होते तो हमको शेष फल एक प्राप्त हो गया, भाग फल एक, ये दो प्राप्त हुआ, भाजक आठ और ये भाज सत्रह है। अब चूंकि दशमलव के बाद भी ले आना है तो हम यहाँ एक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ हमको एक जीरो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो अब आठ एकम आठ तो घटाएंगे तो दो आ गया। अब चूंकि दशमलव लग चुका है तो एक शेषफल में एक जीरो हमेशा मिल जाया करेगा, तो ये हो गया आठ दुनी सोलह और घटाएंगे तो ये चार प्राप्त हुआ और चूंकि दशमलव लगा है तो एक जीरो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार आठ पंचे चालीस, तो इसका दशमलव प्रसार 2.125 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब इसमें ये तीसरा 15/1600 का कर लेते हैं यहीं पर, देखिए 15/1600 तो पहले 1600 में भाग देंगे 1600 ऐसे और ये 15, ठीक ना। तो अभी चूंकि ये अभी छोटा है इससे तो यहाँ दशमलव लगा लेते हैं, दशमलव लगाने के बाद यहाँ एक जीरो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए 150 1600 से भी कम है तो क्या करेंगे, एक शून्य बढ़ाएंगे तो एक यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे। तो अभी देखिए 1500 है, ये 1600 ये अभी भी कम है, ठीक ना। तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पड़ जाएगा, ये हो गया 15000 और ये हो गया 1600, मतलब 1600 के लगभग है, ठीक ना। तो अगर हम इसमें कितना इंटू कर दें कि देखिए 1600 इसमें एक बार 9 बार में देखते हैं, 1600 × 9 तो देखिए 0 0 16 9 144 होता है, तो देखिए 14400 लगभग आ गया और अगर 10 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 9 बार पढ़ लेते हैं तो ये हो गया 14400। तो इसको घटाएंगे तो देखिए 15000 में 14400 घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, ठीक ना। और अगर दशमलव लग चुका है तो एक जीरो अपने आप यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, तो ये हो गया 6000 और ये है 1600, तो 16 × 32 = 48, ठीक ना। और 5 16 5 80 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 16 4 कर लेते हैं एक बार, 4 का पौना पढ़ते हैं इसमें, 0 0 6 4 24 और ये 6400 आया, ठीक ना, ज़्यादा हो गया, देखिए 16 4 64 ज़्यादा हो गया। अब 3 बार में देख लेते हैं तो 0 0 18 ये 48 आ गया, तो 3 बार लेके चले जाते हैं तो ये हो गया 3 बार में 4800, 0 0 2 और हासिल 1 4 5 1 6 तो ये हो गया 1200 आ गया, ठीक ना। और अब चूंकि दशमलव लग चुका है तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक ना। अब इसका पढ़ना पड़ेंगे 1600 में, अब ये 12000 है तो इसमें कितना पढ़ लेते हैं, 16 5 80 16 6 96 16 9 144 16 9 144 ज़्यादा हो जा रहा है, 16 8 128 भी ज़्यादा हो रहा है, 16 7 112, ठीक ना। तो ये हो गया 7 बार में पढ़ लेते हैं, 7 0 7 6 42 7 1 7 7 4 11, ठीक ना। तो ये हो गया, ठीक ना, 16 8 128 ज़्यादा हो जाएगा इससे, इसलिए 7 बार में पढ़ लेते हैं, तो ये हो गया 7 1 1 2 0 0 फिर माइनस करेंगे 0 0 8 तो ये हो गया 1200 में 12000 में 11200 गया तो 800, ठीक ना। अब चूंकि दशमलव लग चुका है तो यहाँ जीरो लगा लेंगे तो ये जीरो ये तो मिल ही जाएगा। अब हो गया 16 5 80 0 0 16 5 80 तो ये हो गया पूरी तरह से शेषफल शून्य आ गया। तो इसका दशमलव प्रसार इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार 0.00093 प्राप्त हो गया। लिखा 23/2 3 और 5/2, इसको पहले हल कर लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, 2 को 3 बार लिखना है, 1 2 3 और 5 को 2 बार करना है, तो इसको जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5 × 10 5 × 10 200 आ जाएगा, ठीक ना, 2 × 4 4 × 8 ठीक ना, 8 और ये 25 तो ये हो जाए 200, ठीक ना, 25 8 200 इससे भी हो गया। अब इसको भाग कर लेते हैं, 200 और यहाँ 23 लिख रहे हैं, तो देखिए
पहले तो ये छोटा है ये, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, तो दशमलव लगाने के लिए यहाँ पर जीरो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए 200 से 230 ज़्यादा है तो एक बार में तो चला ही जाएगा, तो लिखेंगे 200 एकम 200, तो ये हो गया 30 प्राप्त हो गया। अब चूंकि दशमलव लग चुका है तो एक जीरो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। 200 दूनी 400 होता है इसलिए दो बार में तो जाएगा नहीं, 200 एकम 200। आप इसको घटाएंगे तो ये 100 आया। अब दशमलव लग गया तो एक जीरो हम बढ़ा सकते हैं, तो ये हो गया देखिए 200 में 5 का गुणा करेंगे तो 0 0 2 5 10, तो ये शेषफल 0 आ गया। इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार 0.115 प्राप्त हुआ, ठीक ना। अब ये पाँचवा और छठवां बचा है उसको भी कर लेते हैं। तो देखिए पाँचवा लिखा है 6/15, तो 15 से भाग देना है इसको, ठीक ना। तो 6 इसमें भाज कम छोटा है 15 से, तो यहाँ दशमलव लगा लेंगे, दशमलव लगाने के बाद यहाँ जीरो प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो 15 के पाड़ा में 4 बार में 60 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो शेषफल 0 आ गया, तो दशमलव प्रसार 0.4 प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार छठवां देखते हैं, ये है 35/50, तो इसको भाग करके देखते हैं। तो 35 में 50 का भाग कर रहे हैं, तो देखिए 50 से 35 अभी कम है, तो यहाँ 0.00 लगा लेंगे, तो यहाँ हमको एक जीरो प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 50 से ये ज़्यादा है तो भाग चला जाएगा, तो 50 7 350, तो इस प्रकार दशमलव प्रसार 0.7 प्राप्त हो गया। तो ये प्रश्न नंबर 2 भी हो गया। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटे q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए इसमें 3 प्रश्न दिए हुए हैं, 3 भाग हैं इसमें, तीनों भाग लिख लेते हैं हम यहाँ पर। देखिए ये लिखा है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी प्रकार दूसरा लिखा हुआ है 0.10 1 2 0 1 2 00 1 2 000 1 2 14 0 है, और ये डैश 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 भी है, ठीक ना। और थर्ड में लिखा हुआ है 43.12345678 9, ठीक ना, ये लिखा हुआ है। देखिए पहला प्रश्न में है, देखिए तो दशमलव के बाद ये देखिए यहाँ पर आकर ये समाप्त हो गया है, ठीक ना। इसका मतलब अगर किसी भी संख्या को भाग किए होंगे तो इसका शेषफल 0 आ गया होगा, और ये हमने यहाँ लिख लिया। देखिए जैसे एक क्वेश्चन बताते हैं, जैसे अगर ये 8/7 है, ठीक ना, अगर भाग करना हो 70 देख लेते हैं, तो इसमें अगर भाग करें तो कितना 8 9 72 8 28 64, ठीक ना, और इसको घटाया तो 6 प्राप्त हुआ। फिर अगर यहाँ दशमलव लगा लें तो ये 0 हो गया, और इसको भाग करें तो 7 8 7 56, और ये 0 तो ये 4 आ गया, ठीक ना, 56, और ये 0 लग गया दशमलव लगने कारण, तो 8 5 40। अब देखिए ये चीज़ हमको दिया हुआ है, इस तरह हमको दिया हुआ है, तो मतलब 8.75, इसका मतलब अगर ये किसी इसको भाग किया गया है तो शेषफल 0 आ गया है। इसी तरह ये चीज़ ने भाग करने के बाद देखिए दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, ये समाप्त हो गया है, ठीक ना, तो इसका शेषफल 0 आ गया होगा। तो इसका दशमलव प्रसार शांत प्रकार का है, और जिसका शांत प्रकार का होता है उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अगर परिमेय संख्या के रूप में अगर ये लिखा होता तो इसमें देखिए जैसे परिमेय संख्या का मतलब पी बटे क्यू होता, ठीक ना, और पी बटे क्यू में क्यू का अगर अभाज्य गुणनखंड, देखिए इसके पहले प्रश्न नंबर 1 में ही पढ़ा, अगर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होते तो ये इसका दशमलव प्रसार शांत होता, ठीक ना। तो इसका मतलब देखिए क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे,
ठीक ना। तो पाँच होता या दो होता या दो गुणे पाँच, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और ये जो दशमलव प्रसार शांत होता है तो परिमेय संख्या कहलाती है। तो ये परिमेय संख्या हो गई, और इसमें p बटे q में परिमेय संख्या और q के अभाज्य गुणनखंड में दो या पाँच या दोनों होंगे, ठीक ना। अब देखिए इसका, देखिए ये चीज़ ना समाप्त नहीं हो रहा है, डैश 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 हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया समाप्त नहीं हो रहा है, अब देखिए समाप्त नहीं हो रहा है, मगर अगर इसके देखिए इसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है किसी अंकों की। देखिए यहाँ पर 120 है, ये 1200 है, 12000 ऐसे करके दिया हुआ है, तो ना तो समाप्त हो रहा हो और ना ही किसी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, तो उसको बोलते हैं अनवसानी, अनवसानी अनावर्ती, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक ना। तो ऐसे चीज़ों को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो यही आपको आंसर लिखना है, ठीक ना। तो ये हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, तो ये हो गया थर्ड नंबर। देखिए अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, 4.3.1 से लेकर 9 तक लिखा हुआ है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कि देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बाद इसी अंकों के समूह की पुनरावृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश डैश डैश, ठीक ना। फिर यही 1 से लेकर फिर 9 तक की पुनरावृत्ति प्राप्त हो जाएगी। तो इसको डैश डैश लिखने से अच्छा इसको ना जिस अंकों के समूह की पुनरावृत्ति होती है उसी के ऊपर यहाँ बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यही अंक, देखिए सबसे पहले समाप्त तो नहीं हो रहा है, ठीक ना, खत्म नहीं हो रहा है, मगर इसमें अंकों के समूह की पुनरावृत्ति जरूर हो रही है। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या, ठीक ना। इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, है ना, आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है, अनवसानी का मतलब ये समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक ना, रिपीट हो रहा है, तो अनवसानी आवर्ती है, इसी को ये इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। मतलब ऐसे परिमेय संख्या उन्हें बोलते हैं जिनका शेषफल समाप्त हो जाए या शांत प्रकार का हो जाए या जिसका अनवसानी आवर्ती प्रकार का हो, तो उन दोनों को परिमेय संख्या बोलते हैं। मगर इसमें देखिए इसके जो q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना हर है, तो उसमें दो या पाँच या दो गुणे पाँच ही होगा, इसलिए इसका शेषफल शून्य प्राप्त हो रहा था, ठीक ना। अब मगर इसमें देखिए समाप्त नहीं हो रहा है, इसका मतलब q के अभाज्य, जैसे p बटी q में है तो q मतलब हर, तो इसमें q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड दो और पांच के अतिरिक्त, के अतिरिक्त कोई एक, कोई एक और गुणनखंड होगा, कोई एक, कोई एक और गुणनखंड होगा, ठीक ना। इसी कारण ये समाप्त नहीं रहा है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक ना। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।